ग्रामर में फाइल मफूल और फेल क्या होते हैं, ये जुमले के अहम जुज हैं। ये वो हिस्से हैं जुमले के जिनके वजह से हमें मतलब समझ में आता है। आज हम सीखेंगे कि इनकी तरतीब क्या होती है और ये क्या है, इनकी तारीफ बताएंगे और मिसालें भी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं उर्दू में आज फाइल मफूल और फेल की तारीफ और मिसालें, तो साथ साथ मश्क भी होगी। आज हम करेंगे कि उर्दू जुमले की तरतीब क्या होती है। ये तीनों लफ्जों की मैंने अभी बात की है, ये हैं क्या और इनकी तरतीब क्या होती है। अगर आप देखें तो सबसे पहले फाइल है, फिर मफूल है और फेल है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से पहचान सकेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये काम करने वाला है, ये कौन होता है काम करने वाला। फिर एक होता है जिस पे काम हुआ हो, वो कौन होता है। तीसरा होता है काम, असल में ये चीजें हैं। फिर अभी हमारे पास एक जुमला है, हामिद अपना कमरा साफ करता है। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, तो हम देखते हैं कि कौन इसमें से क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये फाइल क्या होता है। फाइल असल में काम करने वाले को कहते हैं। एक जुमले के अंदर जो शख्स काम कर रहा हो, नजर आ रहा हो हमें कि वो काम करता है, वो फाइल होता है, ठीक है। और फिर होता है मफूल, दूसरा जुमले का दूसरा हिस्सा, इसका मतलब कि जिस पर काम वाके हो, यानी जो फाइल है, जो भी कोई काम कर रहा है वो इसके बारे में है वो काम, ठीक है। मफूल की ये पहचान है, आपने याद रखना है। और ये फाइल के बाद आएगा। फिर तीसरी चीज जो फेल है वो काम है, फेल का मतलब काम। और ये हमेशा जमाने के साथ होगा, जमाना भी जाहिर कर रहा होगा कि कौन से जमाने में हुआ, माजी में हुआ, हाल में हुआ या मुस्तकबिल में हुआ, ये लाजमी बताएगा फेल। जो भी काम है वो जमाने के साथ है तो वो फेल है, ये याद रखें बात। ये बहुत एक अहम नुक्ता है कि फेल जमाने के साथ आता है। अब जब हम इस जुमले को देखते हैं, अब इसमें से पहचानेंगे कि इसमें फाइल कौन सा है, मफूल कौन सा है और फेल कौन सा है। तो आपने बता दिया, मुझे जरा बता सकते हैं कि इसमें फाइल कौन है, आप सोच के रखें। और अगर आप दुरुस्त है, अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा इसमें कौन सा फाइल है, कौन सा फेल है, कौन सा मफूल है, बताएं जरा। चलिए पहले हम देखते हैं इसमें फाइल कौन सा है। काम करने वाला, काम करने वाला कौन था, हामिद है, जो अपना कमरा साफ करता है, ठीक है। हामिद काम करने वाला है, ये काम कर रहा है, तो काम करने वाला कौन था, फाइल, वेरी गुड। अब है दूसरी बात हमने मालूम करनी है मफूल की, जिस पर काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, हामिद क्या नहीं बल्कि किस पे काम कर रहा है, ये बताना है आपने। किस पे, कमरे पे, तो कमरे को वो साफ कर रहा है, ठीक है, काम हो रहा है कमरे पे, तो कमरा मफूल है। और तीसरी बात अब है फेल की, तो क्या काम हो रहा है, साफ करता है, करता है, अब ये जमाना है, करता है एक रूटीन में काम करता है, और प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी फिलहाल की बात हो रही है। अब एक और बात जो आप याद रख सकते हैं कि जो फाइल होता है उसके लिए आप सोच सकते हैं कौन, फाइल के लिए कौन, कौन कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो फाइल, और क्या कर रहा है वो फेल। वो जो ये फाइल जो भी कर रहा होगा उसके लिए क्वेश्चन पूछे अपने आप से, क्या क्या कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा वो फेल है, लेकिन आपने जबानी को याद रखना है। फिर है ये जो दरमियान में तीसरी चीज मफूल है, इसमें डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो क्या चीज है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। असल में बात ये दोनों याद रखने की है, फाइल के लिए कौन और फेल के लिए क्या, तो ये आसानी से पता चल जाएंगे आप। चलिए जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए जी अभी जरा थोड़ा सा आपका टेस्ट हो जाए, देखें वो कलमा जो काम करने के लिए इस्तेमाल हो क्या होता है, वो बताएं जरा। जो तीनों हमने पीछे कलमे पढ़े हैं, कलमे लफ्ज को कहते हैं, तो वो कौन कौन से है? वो कलमा जो काम करने के लिए इस्तेमाल हो वो क्या था, फाइल फेल मफूल में से वो क्या था, याद है, मिसाल भी यहाँ पे मौजूद है।
आसिम किताब खरीदेगा। आसिम के नीचे लाइन लगाई हुई है, तो ये क्या था याद है थोड़ा सा? यस, फाइल, ये फाइल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिसपे काम वाक्य हो, यानी वो फेल के असर को जाहिर करे। जैसे आसिम किताब खरीदेगा, तो ये क्या है? किताब, इसमें क्या है? इस पे फेल, यानी जो काम है वो जाहिर हो रहा है, तो ये क्या है? मफूल, शाबाश। और वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के साथ पाया जाए, वो क्या होता है? फेल, वेरी गुड। देखिए, खरीदेगा, ये मुस्तकबिल में भी खरीदेगा। और क्या खरीदना है? उसने किताब खरीदनी है। और किसने खरीदनी है? कौन है जो खरीदेगा? कौन? आसिम। ठीक है, कौन? और ये है, क्या करना है उसने? आसिम ने खरीदना है, खरीदेगा। तो ये याद रखनी है, इसकी तारीफें हैं तीनों की, फाइल, मफूल और फेल। तो फेल का असर जाहिर हो रहा है ना, खरीदने का असर किताब पे जाहिर हो रहा है। इस तरह से इसकी पहचान करनी है। अब थोड़े से ये जुमले हैं, इनमें आपने मफूल की निशानदेही करनी है कि मफूल कौन सा है। ये जुमले हैं, कासिम एक अच्छी किताब खरीदेगा, इसमें मफूल कौन सा है? आप बताएं मुझे। किताब, किताब मफूल है, शाबाश। बीना बस में सवार होती है, इसमें मफूल कौन सा है? मफूल की निशानदेही करें, बताएं मफूल कौन है? बस, वेरी गुड। सूरज गर्मी और रोशनी देता है, इसमें क्या है मफूल? पहचान बताई हुई है आपको, गर्मी और रोशनी, दो चीजें सूरज देता है। ठीक है, देता है काम है, तो क्या दे रहा है? गर्मी और रोशनी। चलें जी, अगला है, मुर्गी दाना दुनका चुगती है, इसमें मफूल क्या है? आपने बाद में मुझे बताना भी है, ठीक है, कमेंट्स में। दाना दुनका, शाबाश, दाना दुनका मफूल है। और शाइस्ता बाग की सैर को गई थी, इसमें मफूल कौन है? बाग की सैर। ये बिल्ली दूध नहीं पीती, ये एक मनफी जुमला हमने भी शामिल कर लिया ताकि थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें मफूल क्या है बताएं? दूध ना पीने का काम किस पे हो रहा है? दूध पे। ठीक है, अब है, बच्चे उस्ताद की बात सुन रहे थे, इसमें मफूल क्या है? शाबाश, उस्ताद की बात, उस्ताद की बात है जो वो सुन रहे थे। ये वाला काम इस पे हो रहा होता है, ये दरमियान में ये चीज आ रही होती है। चलें जी, गुड हो गया ये, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम फेल ढूंढते हैं, फेल की निशानदेही करनी है। वही जुमले हैं, लेकिन अब आपने बताना है कि फेल कौन सा है इसमें। फेल, कासिम एक अच्छी किताब खरीदेगा, कासिम ने क्या करना है? क्या करना है? खरीदने का काम करना है, खरीदेगा। देखें, अच्छा जमाना भी बताएं जरा मुझे, कौन सा है? माजी है या हाल या मुस्तकबिल, क्या है ये जमाना? क्योंकि जमाने के साथ है ना फेल, कौन सा जमाना है? खरीदेगा, अभी आने वाले वक्त में खरीदेगा। ठीक है, मुस्तकबिल, शाबाश। फिर है, बीना बस में सवार होती है, ये कौन सा जमाना है? और फेल कौन सा है पहले तो बताएं, फेल कौन सा है? सवार होती है, तो ये जमाना कौन सा है? है बता रहा है कि ये हाल है, फेल हाल, शाबाश। और सूरज गर्मी और रोशनी देता है, यहाँ पे क्या है फेल? देता है, ये भी है के साथ फेल हाल, वेरी गुड। और मुर्गी दाना दुनका चुगती है, पहले तो बताएं कि फेल कौन सा है, फिर जमाने की बात करते हैं, चुगती है, शाबाश। और हैस की वजह से हमें पता चल रहा है ये तीनों जो हैं वो फेल हाल है। शाइस्ता बाग की सैर को गई थी, कौन सा फेल है इसमें?
गई थी। बिल्कुल ठीक है। और थी, थी से क्या पता चल रहा है? फेल माजी, ये बिल्ली दूध नहीं पीती, नहीं पीती। तो आगे इसके है या थी या गा नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि अगर इसको पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमला बनाएंगे तो ये बिल्ली दूध पीती है। तो नहीं पीती, हम है नहीं लगाते इसके बाद, ये भी फेल हाल है और इसका फेल है नहीं पीती। ठीक है, बच्चे उस्ताद की बात सुन रहे थे, इसमें कौन सा फेल है? सुन रहे थे, ठीक। और ये भी थे के साथ है तो हमें पता चल रहा है कि ये माजी है, फेल माजी। चलें जी, अब क्या रह गया? अब फाइल की तलाश है हमें, फाइल ढूंढना है, वही फिर से जुमले, ताकि आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाए और उसी में आप ढूंढ सकें कि कौन सा उसमें फाइल, मफूल और फेल था। ये तो बहुत ही आसान सी बात है, अब आपको फाइल की भी निशानदेही करना आ जाएगी। तो पहले जुमले में कासिम एक अच्छी किताब खरीदेगा, फाइल कौन है? कासिम। बीना बस में सवार होती है, बीना, क्योंकि काम करने वाला वो सबसे पहले है, शुरू में है, तो ये तो आसान सी पहचान है। सूरज गर्मी और रोशनी देता है, सूरज। मुर्गी दाना दुनका चुगती है, मुर्गी। शाइस्ता बाग की सैर को गई थी, शाइस्ता। ये बिल्ली दूध नहीं पीती, बिल्ली। बच्चे उस्ताद की बात मान, बात सुन रहे थे तो बच्चे, ये फटाफट हमें पता चल गया, शुरू में आ रहे थे। फाइल, सारे के सारे फाइल है। चलें जी, वेरी गुड। लगता है आपको बात आज समझ में आ गई होगी कि फाइल, मफूल और फेल किसे कहते हैं। प्रैक्टिस करें, अपने कमेंट्स से बताएं आपको समझ आई और आपको लेसन कैसा लगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।